पशुओं में परजीवी प्रबंधन। परजीवी वह जीव हैं जो हमारे पालतू पशुओं के शरीर के ऊपर अथवा अंदर रहकर उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं। पशुओं को संक्रमित करने वाले परजीवी दो प्रकार के होते हैं। बाह्य परजीवी, वह परजीवी जो पशुओं के शरीर पर रहकर पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। अंतः परजीवी, वह परजीवी जो पशुओं के शरीर के अंदर विभिन्न अंगों जैसे यकृत, लीवर, पेट या आहार नली में रहकर पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। बाह्य परजीवी संक्रमण। पशुओं में मुख्यतः चार प्रकार के बाह्य परजीवियों का संक्रमण होता है। किल्ली, जिन्हें आम बोलचाल में अठई या चिचड़ी भी कहते हैं, खुजली का कीट या माइट्स, जुए या ढील या लाइस, मक्खियां या फ्लाइस या डांस। किल्ली, पशुओं को प्रभावित करने वाले सभी बाह्य परजीवियों में किल्लियां सबसे अधिक नुकसानदायक होती हैं। किल्लियों का संक्रमण वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि सभी पशुओं को प्रभावित करती हैं। किल्लियां मुख्यतः पशुओं के कान, पूंछ के नीचे, जंघाओं के अंदर के हिस्से, वृषण के आसपास एवं खुरों के बीच आसानी से देखी जा सकती हैं। कुछ संकर नस्ल के गोवंशीय पशुओं के पूरे शरीर पर भी इनकी उपस्थिति आसानी से देखी जा सकती है। जीवन चक्र। किल्लियों के जीवन चक्र में कुल चार अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जो क्रमशः अंडा, लार्वा, निम्फ तथा वयस्क हैं। जीवन चक्र की ये अवस्थाएं हमेशा चारागाह, बिछाली, गौशाला तथा पशु के बांधे जाने वाले स्थान के आसपास जैसे पशुगृह की दीवारों की दरारों आदि में हमेशा बनी रहती हैं तथा नए संक्रमण की शुरुआत करती रहती हैं। किल्लियों का पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव। किल्लियां पशुओं का खून चूसती हैं, जिसके कारण पशुओं में रक्त ताल्पता अथवा अनीमिया, पशु का कमजोर हो जाना, शरीर भार में तथा पशु उत्पादन में कमी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा किल्लियां कई तरह के खून में पनपने वाले परजीवी जनित रोग के संचरण में भी मददगार होती हैं, जिनमें से बबेशियोसिस, थिलेरियोसिस तथा एनाप्लाज्मोसिस जैसी घातक बीमारियां प्रमुख हैं। खुजली का कीट अथवा माइट्स। रोमंथी पशुओं में सार्कोप्टस तथा सोरोप्टस प्रजाति के माइट्स का संक्रमण प्रमुखता से पाया जाता है। ये सामान्यतः पशुओं की त्वचा को प्रभावित करती हैं, जिसे मेंज भी कहते हैं। मेंज प्रभावित पशु में बेचैनी, खुजली, त्वचा पर पपड़ी तथा घाव के अलावा बाल गिरने की समस्या आम तौर पर देखी जाती है। जुए। जुओं का प्रकोप आम तौर पर कमजोर पशुओं तथा कम उम्र के बछड़ों तथा मेमनों आदि में जाड़ों के मौसम में अधिक होता है। ये मुख्यतः पेट के ऊपर, बालों पर, कानों के ऊपर, जंघाओं के अंदर के हिस्से तथा वृषण के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पशुओं का रक्त चूसते हैं और खुजली पैदा करते हैं। कई बार अधिक चाटने व खुजाने से शरीर पर घाव भी बन जाते हैं। मक्खियां। पशुओं के ऊपर मक्खियों का प्रकोप सुबह तथा शाम के समय ज्यादा होता है तथा पशु के शरीर पर लगी हुई गंदगी, गोबर तथा खून के छींटे इन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मक्खियां जैसे कि डांस पशु का रक्त चूसती हैं तथा इसी दौरान बीमारी के कारकों को पशु शरीर में संचरित कर देती हैं। डांस मक्खी पशुओं में सर्रा बीमारी फैलाने में मदद करती है।
इसी प्रकार कुछ मक्खियों की प्रजातियां घाव पर अंडे तथा लार्वा देकर उन्हें जटिल बना देती हैं। बाह्य परजीवियों की रोकथाम। बाह्य परजीवियों की रोकथाम का सबसे आसान तथा असरदार उपाय है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। बाजार में साइपोमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, आइवोमेक्टिन इत्यादि दवाओं के कई उत्पाद मौजूद हैं, जिनका प्रयोग पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए किया जा रहा है। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग 5 विशिष्ट प्रकार की विधियों से किया जा सकता है। कीटनाशक दवा के प्रयोग की पहली विधि है कीटनाशक दवाओं के घोल को पशु के शरीर पर कपड़ा अथवा स्पंज आदि से लगाना। इस विधि में सामान्यतः एक वयस्क पशु के लिए 3 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर 10% साइपोमेथ्रिन या 3 लीटर पानी में 7.5 मिलीलीटर 12.5% डेल्टामेथ्रिन का घोल बनाते हैं। एक छोटे पशु बकरी या बछड़े के लिए 1.5 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर साइपोमेथ्रिन या 4 मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन का घोल बनाते हैं। उसके बाद एक कपड़े या स्पंज को घोल में डुबो कर पशु के पूरे शरीर पर लगाते हैं। दवा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि घोल पशु की आंख, नाक अथवा मुंह में ना चला जाए। दवा लगा रहे व्यक्ति को अपनी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए, अर्थात हाथों में दस्ताने, नाक तथा मुंह पर मास्क या पतला कपड़ा तथा शरीर को ढकने के लिए कपड़ा अथवा एप्रन या कोट पहनना चाहिए। दूसरी विधि है कीटनाशक दवा के घोल का स्प्रे करना। इस विधि में कीटनाशक दवा का घोल एक स्प्रे मशीन या स्प्रे पंप में भरकर पशु के पूरे शरीर पर स्प्रे या छिड़काव करते हैं। इस विधि में प्रयोग हेतु साइपोमेथ्रिन 10%, 1-2 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 12.5%, 2-3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाया जाता है। इस विधि में ध्यान रखना चाहिए कि पशु के आंख, नाक, मुंह पर स्प्रे ना हो। पशु गृह की दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों के बीच के खाली जगह पर भी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तीसरी विधि है डिपिंग या कीटनाशक दवा के घोल में पशु को नहलाना। इस विधि में कीटनाशक दवा का घोल पशु को नहलाने वाले टैंक या बड़े गड्ढों में बनाते हैं तथा पशुओं को बारी बारी से नहलाते हैं। यह विधि छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी के लिए उपयुक्त है। इस विधि में भी साइपोमेथ्रिन 1 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाते हैं। डिपिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि छोटे पशुओं को घोल में अधिक समय तक नहीं नहलाया जाए तथा पशुओं को नहलाते समय उनके मुंह पर जाली लगी हो। चौथी विधि है पोर ऑन अर्थात पशु के पीठ पर कीटनाशक दवा का प्रयोग। इस विधि में विशेष प्रकार की कीटनाशक दवा जैसे फ्लूमेथ्रिन या आइवरमेक्टिन पशु के पीठ पर डाली जाती है। ये दवाएं बाजार में पोर ऑन के नाम से उपलब्ध हैं, जिन्हें पशु के पीठ या रीढ़ की हड्डी की सीध में गर्दन से पूंछ की तरफ धीरे धीरे डालते हैं, जो कि पूरे शरीर पर फैलकर बाह्य परजीवियों को मार देती है। इस विधि में फ्लूमेथ्रिन पोर ऑन की 1 मिलीलीटर दवा प्रति 10 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से उपयोग की जाती है। इस दवा के प्रयोग के बाद पशु को पानी में भीगने या लोटने से बचाना चाहिए। दवा का दोबारा प्रयोग 1 महीने बाद ही करना चाहिए।
पांचवी विधि है सुई या इंजेक्शन द्वारा बाह्य परजीवियों का नियंत्रण। आइवरमेक्टिन की 0.2 मिलीलीटर दवा प्रति किलोग्राम शरीर भार की दर से पशु के त्वचा के नीचे सुई के द्वारा लगाई जाती है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के प्रयोग से पशुओं के पेट तथा आंत में पाए जाने वाले गोलकृमि भी मर जाते हैं। अतः ये दवा बाह्य परजीवियों के साथ साथ अंतः परजीवियों के बड़े समूह को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। इस प्रकार बताई गई विधियों को अपनाकर पशुपालक अपने पशुओं को सभी प्रकार के बाह्य परजीवियों के संक्रमण से बचा सकते हैं। अंतः परजीवी संक्रमण। अंतः परजीवी वह जीव हैं जो पशुओं के शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में रहकर पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। अंतः परजीवी मुख्य रूप से तीन प्रकार की शारीरिक बनावट वाले होते हैं, जैसे चपटाकृमि या फ्लूक, फीताकृमि तथा गोलकृमि, फैशियोला या लिवर फ्लूक। यह पत्तों के आकार का परजीवी होता है जो पशुओं के यकृत तथा पित्त नली में पाया जाता है। यह परजीवी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शूकर तथा जंगली पशुओं को संक्रमित करता है तथा सभी आयु वर्ग के पशुओं को प्रभावित करता है। संक्रमण। इस परजीवी के अंडे पशु के गोबर के साथ बाहर निकलते हैं और पानी के संपर्क में आने पर उनमें पाए जाने वाले लार्वा घोंगे में प्रवेश कर जाते हैं। घोंगे के अंदर इनका विभाजन होता है और ये हजारों की संख्या में निकलकर पानी में उगी घास अथवा पौधों पर चिपक जाते हैं या फिर पानी की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। पशुओं द्वारा घास चरने या पानी पीने के दौरान लार्वा पुनः पशु के शरीर में चले जाते हैं तथा बीमारी पैदा करते हैं। यह परजीवी पशु के अंदर यकृत शोथ, पित्त नलिका शोथ, शारीरिक कमजोरी, रक्त ताल्पता, उत्पादन में कमी आदि के लिए जिम्मेदार है। इस रोग को फैशुलोसिस या जुकना रोग भी कहते हैं। लक्षण। संक्रमित पशु की भूख कम या समाप्त हो जाती है तथा वह खुद को झुंड से अलग कर देता है। पशुओं को चलने में कठिनाई होती है तथा पेट को स्पर्श करने पर दर्द महसूस होता है। इस रोग में पशु के पेट के क्षेत्र में तथा निचले जबड़े के नीचे सूजन देखी जा सकती है। रोग की लंबी अवधि से प्रभावित पशु के शरीर का क्रमिक क्षरण होता है, जिसके कारण कमजोरी और रक्त ताल्पता भी प्रमुखता से देखी जा सकती है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में गाभिन पशुओं में गर्भपात भी हो सकता है। सिस्टोसोमा। यह रक्त में पाया जाने वाला परजीवी है तथा गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं शूकर जाति के पशुओं को प्रभावित करता है। इस परजीवी के संक्रमण के लिए पशु का पानी के स्रोतों से संपर्क जरूरी होता है। संक्रमण। इसके भी फैलाव में घोंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिस्टोसोमा की घोंगे से निकली लार्वा अवस्थाएं पशु के अंदर त्वचा भेदन द्वारा प्रविष्ट होती हैं तथा खून की नलिकाओं में व्यस्क अवस्था को प्राप्त करती हैं। इस परजीवी के अंडे के छोर पर कांटेनुमा संरचना होती है जो पशु के अंदर आंतों, यकृत और नाक में फोड़े नुमा घाव बना देते हैं। धीरे धीरे यह घाव बड़ा होने लगता है, जिसे ग्रैनुलोमा भी कहते हैं। ये सभी घाव पशु के लिए अत्यधिक कष्टदायक और कमजोर कर देने वाले होते हैं। इस परजीवी को एक प्रजाति पशुओं के नथनों की रक्त वाहिनाओं में पाई जाती है, जो नाक में ग्रैनुलोमा बना देते हैं, जिससे पशु को श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है
तथा सांस लेते समय खर्राटे जैसी आवाज निकलती है, जिससे इस रोग को नुकड़ा या सुनसुना रोग भी कहते हैं। इस परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग को सिस्टोसोमियोसिस कहते हैं। लक्षण: इस परजीवी के लार्वा द्वारा त्वचा भेदन के कारण पशु की त्वचा में जलन होना, रोगी पशु आहार में रुचि नहीं प्रकट करता, रोग के शुरुआती दिनों में पशु को दस्त होते हैं, जिसमें मल के साथ रक्त और श्लेष्मा आने लगती है, पशु के पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है। गौवंशी पशुओं में नाक का संक्रमण होने से सांस में खरखराहट की आवाज आने लगती है और वे मुख से सांस लेते हैं। उपचार: फैशियोला के उपचार हेतु ऑक्सीक्लोजानाइड, निक्लोसामाइड अथवा ट्राइक्लाबेंडाजोल में से कोई एक दवा पशु चिकित्सक की सलाह के बाद ही प्रयोग करें। सिस्टोसोमा के लिए प्राजीक्विंटल 25 मिलीग्राम प्रति शरीर भार दें, एक सप्ताह बाद उपचार दोहराएं। रोकथाम: पशुओं को घोंघे वाली नदी, तालाब, पोखर, झील आदि के आसपास ना चराएं। गड्ढे, नदी, तालाबों आदि में घोंघों को नष्ट करने के लिए तूतिया कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु तूतिया डालने पर एक सप्ताह तक पशुओं को जलाशय में ना जाने दें। गौ पशुओं में पर एम्फीस्टोम्स संक्रमण: इस समूह के परजीवी रोमंथी पशुओं को प्रभावित करते हैं। व्यस्क पर एम्फीस्टोम्स पशु के र्यूमन में पाए जाते हैं, परंतु इनकी अव्यस्क या विकासशील अवस्थाएं पशु की आंत में भारी क्षति पहुंचाती हैं। यह परजीवी चरने वाले गोवंशीय पशुओं, भेड़ तथा बकरी आदि में बीमारी पैदा कर भारी आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। विशेष प्रकार के घोंघे इस परजीवी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये घोंघे धान के खेतों में पानी भरने पर उसमें अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। अतः पर एम्फीस्टोमियासिस गड्ढे, पोखरी, नदी, नाली, झील आदि क्षेत्रों के आसपास चरने तथा पानी पीने वाले पशुओं में अधिकांश रूप से देखी जाती है। पशु की आंत में विकसित होने वाले अव्यस्क परजीवी अधिक हानिकारक होते हैं। लक्षण: प्रभावित पशुओं में दुर्गंधपूर्ण पतली दस्त, पेट में मरोड़, उदासी तथा चारे के प्रति अनिच्छा जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। प्रभावित पशु में मल के साथ रक्त भी बाहर आता है। पशु कमजोर हो जाता है तथा समुचित उपचार न मिलने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। रोगी पशु के जबड़े के नीचे सूजन भी देखी जा सकती है, जिसे बॉटल जॉ कहते हैं। उपचार: उपचार के लिए ऑक्सीक्लोजानाइड 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के दर से या निक्लोसामाइड 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के दर से पशु चिकित्सक की सलाह पर प्रयोग किया जाना चाहिए। रोकथाम के लिए पशुओं को पानी के स्रोतों जैसे गड्ढे, पोखरी, तालाब, झील आदि के किनारे ना चराएं तथा इन स्थानों पर पानी भी ना पिलाएं। घोंघे वाले जल स्रोतों के आसपास उगने वाली घास भी पशु के चारे हेतु उपयुक्त नहीं होती है। इन स्थानों से चारा ना एकत्र करें। घोंघे को मारने वाली दवाओं का प्रयोग करें, जैसे कि कॉपर सल्फेट। गौ पशुओं में फीताक्रमी संक्रमण: गौ पशुओं में मोनीजिया, ए वाइटलेना एवं स्टिलेशिया आदि फीताक्रमी पाए जाते हैं, परंतु इन सब में मोनीजिया का संक्रमण प्रमुख है। इन सभी फीताक्रमियों की संक्रामक अवस्थाएं ओरिबेटेड माइट में पाई जाती हैं। घास पर पाए जाने वाले
छोटे छोटे माइट्स पशुओं में फीताक्रमी के लिए मध्यस्थ परपोषी की तरह कार्य करते हैं। चारागाह में घास चरने के दौरान पशु इन माइट्स को घास के साथ ही अनजाने में खा जाते हैं, जिसके बाद पशु की आंत में कई मीटर तक लंबे फीताक्रमी विकसित होते हैं। लक्षण। फीताक्रमी जनित रोग के लक्षण कम उम्र के बछड़ों, पड्डों तथा मेमनों आदि में भारी संक्रमण के दौरान देखने को मिल सकते हैं। प्रभावित पशुओं में शरीर भार में कमी, भूख न लगना तथा आंत्र अवरोध जैसे लक्षण मिलते हैं। उपचार। उपचार हेतु निक्लोसामाइड 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के दर से या एल्बेंडाजोल 7.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के दर से प्रयोग किया जाता है। रोकथाम। फीताक्रमी से बचाव के लिए पशुओं को अच्छी धूप निकलने के बाद ही चरने के लिए भेजना चाहिए। नियमित रूप से पशुओं के मल का परीक्षण करवाएं तथा फीताक्रमी संक्रमण का पता लगने पर उपयुक्त दवाएं दें। पशुओं को यथासंभव चारा, संतुलित आहार व शुद्ध जल पशुशाला में ही उपलब्ध कराएं। बचाव। माइट्स के विनाश हेतु चारागाह को कम से कम एक सीजन तक खाली छोड़ देना चाहिए। मौसम विशेष में घास बढ़ने पर उसे जलाकर भी माइट्स का नियंत्रण किया जा सकता है। हीमोंकस। धागे जैसे यह परजीवी भेड़ व बकरी को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह परजीवी अंतिम उदर अबोमेजम में पाया जाता है। यह परजीवी पशु का खून चूसता है। लक्षण। इस परजीवी के द्वारा अधिक खून चूसने के कारण रक्त ताल्पता हो जाती है। ग्रसित पशु के जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, जो शरीर में प्रोटीन की कमी का घोतक है। प्रभावित पशु सुस्त तथा अत्यंत कमजोर हो जाता है। जीवन चक्र। परजीवी के अंडे पशु के गोबर के द्वारा बाहर आते हैं। बाहर आकर अंडों से लार्वा विकसित होता है और घास के पत्तों पर चिपक जाता है। यह लार्वा संक्रमित घास के चरने पर पशु के पेट में चले जाते हैं तथा वहां वयस्क अवस्था में परिवर्तित होते हैं। अनुकूल मौसम में 10 से 15 दिनों में ही हीमोंकस का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। उपचार। फेनबेंडाजोल 7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के दर से दी जाती है तथा 21 दिन के बाद दोबारा दवाई दें। आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं। टॉक्सोकैरा विट्युलोरम। यह कम उम्र के बछड़े तथा बच्चियों को संक्रमित करते हैं। इनकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इनका रंग सफेद होता है। यह परजीवी 6 माह से कम उम्र के भैंस के बछड़े बच्चियों में मृत्यु के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। इस रोग को एस्केरियासिस कहते हैं। लक्षण। प्रभावित बछड़े बच्चियों में काली मिट्टी के जैसी दुर्गंधपूर्ण दस्त होते हैं। बछड़ों की गर्दन पीछे मुड़ जाती है। पेट दर्द के कारण बछड़े छटपटाते तथा पैर पटकते हैं। पशु खाना पीना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। कई बार यह परजीवी गोबर में देखे जा सकते हैं। जीवन चक्र। टॉक्सोकैरा की लार्वा अवस्थाएं गर्भावस्था के समय मादा पशु में सक्रिय हो जाती हैं। लार्वा मां के खून से बच्चों में चले जाते हैं तथा आंत के अंदर वयस्क अवस्था में परिवर्तित होकर पुनः अंडे उत्सर्जित करने लगते हैं। ये लार्वा अवस्थाएं छोटे बच्चों में खींस के द्वारा भी आंत में चली जाती हैं। उपचार। प्रभावित पशु के गोबर की जांच करानी चाहिए। पिप्राजीन
3 से 6 ml प्रति 10 किलोग्राम शरीर भार की दर से दी जाती है।